भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, अगर आप में से किसी भी बहन को आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के समय को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। आपको नए नए सरकारी आदेश मैं आज दिखाने वाला हूं, जिनमें से आप उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से आप बाल विकास परियोजना अधिकारी रॉबर्ट्सगंज से एक लेटर कल ही 1 अक्टूबर को नया वहां पर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि समस्त क्षेत्रीय मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के संबंध में उनको निर्देश किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का जो समय है वो निम्नवत निर्धारित किया जाता है, जिसमें कि आप अगर देखें तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 जो है मार्च तक 2023 के, यहां पर उन्होंने 22 लिख दिया है, ये गलती है वहां पर, तो 2023 इनको लिखना चाहिए था। तो 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक प्रातः जो समय रहेगा वो रहेगा आपका 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक। कितने बजे से? 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र उपरोक्ता अनुसार समय के अनुसार ही संचालित होंगे, चाहे वह प्राथमिक स्कूल के परिसर में संचालित हो रहे हो अथवा किसी अन्य स्थान पर संचालित हो रहे हो। केंद्र बंद पाए जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही सभी आंगनबाड़ी अपने अपने केंद्रों का सर्वे शुरू करें। एक भी घर पुरवा या मजरा उसका सर्वे नहीं छोड़ेंगी। यदि कोई घर पुरवा या मजरा आपके द्वारा छूटता है तो इसकी शिकायत होने पर आप समस्त के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। तो आपने देखा कि सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज परियोजना से परियोजना अधिकारी जी का एक लेटर आया, साफ शब्दों में कह रहे हैं चाहे आप प्राथमिक स्कूल के परिसर में संचालित आंगनबाड़ी हो या अलग कहीं भी आंगनबाड़ी केंद्र हो, तो सभी आंगनबाड़ी केंद्र कल 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च 2023 तक शीतकालीन सत्र में 10 बजे से 2 बजे आपके खुलेंगे। बाकी 2 बजे के बाद एक घंटा जो 3 बजे तक रहेगा वो आपका गृह भ्रमण वाला कार्य रहेगा। उर्मिला बहन है, सोनभद्र से आती हैं, उन्होंने अपने जिले से के लेटर भेजा। ऐसे ही एक और सूचना, शशिकला शर्मा बहन है, कुशीनगर जिले से आती है और कुशीनगर जिले में भी अगर आप देखें तो कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी जो खंदौली के हैं और ये लेटर दरअसल है आगरा का। तो बहन है हमारी कहां से? कुशीनगर जिले से, लेकिन लेटर उन्होंने भेजा है आगरा का और ये लेटर है 30/9/2022 यानी 30 सितंबर को अभी एक लेटर निकला, यानी परसों लेटर जारी हुआ है और जिसमें समस्त आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों को खंदौली जो परियोजना की है उनको ऑर्डर दिया गया है कि आप अवगत हैं कि शीतकालीन समय में आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन का जो समय है वो सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होता है, अतः उक्त के अनुपालन में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि 1 अक्टूबर 2022 से शासकीय निर्देशों के क्रम में अपने केंद्र का नियमित व ससमय केंद्र संचालन सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक कराना सुनिश्चित करें। उच्चाधिकारियों या अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण के समय में यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका बिना पूर्व अनुमति अवकाश स्वीकृत के केंद्र में अनुपस्थित पाई जाती है तो इसे गंभीरता से लेते हुए मानदेय रोकने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अलग से स्पष्टीकरण जारी कि जो है नहीं किया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। यानी इनका कहना है कि अगर इस समय कोई कार्यकर्ती मान लो 10 बजे से 2 बजे तक नहीं पाई गई सेंटर पर या फिर कोई लिखित सूचना दिए बगैर कहीं चली गई, तो ऐसे में अगर वो पाई जाती हैं तो फिर उनका बिना कारण बताओ नोटिस ही मानदेय रोक दिया जाएगा। इसके लिए कारण बताओ नोटिस नहीं जो है निकाले जाएंगे, ना ही आपसे पूछा जाएगा कि आप कहां गई क्यों गई। अगर जाना है तो पहले ही जो आप वहां पर छुट्टी लेकर के यानी अनुमति लो, उसके बाद में जाओ।
तो इसके बारे में यहां पर बोला जा रहा है। तो आप जो यहां पर देख सकते हैं, ये आपका आगरा जिले के खंदौली परियोजना से लेटर आया। तो दो नए नए लेटर मैंने आपको दिखाए हैं जो अभी अभी जारी हुए हैं और आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन से जुड़े हुए हैं। तो 10 बजे से 2 बजे आंगनबाड़ी बहनों आपको अपने सेंटर खोलने हैं और तो और उसके 2 से 3 के बीच में गृह भ्रमण करनी है। अब संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश से 30 सितंबर को एक लेटर देखिएगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी समस्त जिलों के मध्य प्रदेश में उनको यह लेटर भेजा गया है जो कि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रदाय की जा रही सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए संपर्क ऐप में हितग्राहियों की प्रविष्टि से जुड़ा हुआ है। नहीं समझ में आया, मैं आपको बता दूं कि जो संपर्क ऐप चलता है मध्य प्रदेश में उसी में सारी प्रविष्टियां भरने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। इनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रदाय की जा रही सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए संपर्क ऐप में आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से लाभान्वित हितग्राही जैसे कि 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती धात्री माताएं, इनकी ऑनलाइन प्रविष्टि की जानी है और इस हेतु दिनांक 21 सितंबर को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विस्तृत रूप से अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास विभाग के द्वारा निर्देश दिए गए थे एवं विभागीय MIS द्वारा भी किस प्रकार प्रविष्टि की जाएगी इस संबंध में भी जानकारी दी गई थी। प्रविष्टि के संबंध में यूजर मैनुअल संलग्न है, कृपया 5 अक्टूबर 2022 तक हितग्राहियों की 100% प्रविष्टि संपर्क ऐप में जो यहां पर करवाना सुनिश्चित करें। तो ये आपकी तृप्ति त्रिपाठी हैं, संयुक्त संचालक हैं महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन में और उनका ही एक ये नया ऑर्डर आया है जो कि मध्य प्रदेश की बहनों आप सबने देखा है। सबनम बहन है छतरपुर से, मध्य प्रदेश का ही जिला है, वहां से आती है, जिनके द्वारा जानकारी भेजी गई। और कृष्णा बहन है जो कि आती है जौनपुर से और उनके द्वारा एक समस्या भेजी गई। ये इनका कहना है कि भैया जी नमस्कार, 30 सितंबर को उन्होंने ये लेटर मुझको भेजा है, आपकी बड़ी बहन जो है कृष्णा सिंह, मंजू मिश्रा, आशा यादव, केंद्र नारायणगढ़ी, ऐसे करके सब उन्होंने लिखा है और जिला जौनपुर है। भैया जी हम सभी आंगनबाड़ी बहनें अधिकारी और मुख्यमंत्री जी से सताए जा रहे थे, परेशान किए जा रहे थे, अब सरकार सहायता समूह वाले के जो है स्वयं सेवियों को रख करके शोषण भी करवा रही है। खाद्यान्न समूह वाले देना नहीं चाहते हैं, 2 महीने का खाद्यान्न हजम करना चाहते हैं। भैया जी गांव वाले कह रहे हैं कि जो है हर गांव में खाद्यान्न बट गया है, नारायणी दी वगैरह जो गांव है उसमें अभी तक नहीं जो है बटा है। भैया जी हम आंगनबाड़ी को खाद्यान्न मिला ही नहीं है तो कैसे दे दें। तो इस तरह से आप कह रहे हैं कि निदेशक तक जो है खबर पहुंचाएं, आपकी कृपा होगी। तो ऐसे यहां पर ऑल इंडिया के जरिए से केवल ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा राशन वितरण में, इसके लिए आपको और आपके विभाग को ही एक्शन लेना होगा। जैसे कि अगर आप शिकायत करें तो राशन आएगा, अब शिकायत अगर आप जो है कर देंगे DPO को तो शायद जल्दी आ जाए, अगर DPO भी लापरवाही ही बरतते हैं, अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, राशन आपको रिसीव नहीं कराया जाता समूह के जरिए, तो आप सीधा DM कार्यालय भी शिकायत इसकी कर सकती हैं क्योंकि वही एकमात्र जरिया है और उनसे बड़ा कोई जिले में है नहीं और वही जो भी करेंगे सो करेंगे। तो अगर आपका विभाग आपकी नहीं सुन रहा तो आप वहां पर जाकर के शिकायत कर सकती हैं। राशन बटने की जो है ना बांटने की लापरवाही में, आपको रिसीव ना करवाने की लापरवाही में समूह वालों को ही जो है वहां पर दोषी ठहराया जाएगा क्योंकि उन्होंने आपको रिसीव नहीं कराया है और वो उनका मुख्य काम है। जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक कोई कैसे बांटेगा, तो मेन जिम्मेदारी उनकी है। अब देखो यहां पर उर्मिला बहन है जो लखनऊ से आती हैं, पूर्व मंत्री स्वाति सिंह वीरांगना अवंतीबाई अस्पताल में वैक्सीनेशन कैंप का उन्होंने उद्घाटन किया है और ये खबर निकाली गई है। तो आप देख सकती हैं कि उन्होंने सभी से अपील की है कि समय से वैक्सीनेशन लगा के खुद को स्वस्थ और समाज को शक्तिशाली बनने में मदद करें और यहां पर उन्होंने कहा है उद्घाटन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी इन्होंने जो है सर्वाधिक आम जन के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है, यह भी कोशिश रही है कि कम से कम लोगों को अस्पताल जाना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान और योग पर जागरूकता अभियान चलाया है, उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इस तरह से इनके अपने जो है कहने हैं। बाकी तो आप सबको पता ही है कि आंगनबाड़ी बहनों का जब तक इन्होंने जो है वो लेकर के रखा एक तरह से अगुवाई की
तब तक बाल विकास विभाग में बहनों की तो उन्होंने सुनी नहीं ढंग से और ना ही समस्याओं के समाधान हो पाए। स्वाति सिंह ने कहा है कि हर व्यक्ति तक वैक्सीनेशन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने खजाना खोल दिया है, तो इनका जब भी कुछ कहना होता है तो वो सरकार के ही फेवर में सारी चीजें जो भर भर करके बोली जाती हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए जब भी ये अपने अधिकारों में थी तब भी इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया बहनों के लिए, एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकलते। यहां तक कि ये रह करके चली गई, अगर अच्छा कुछ करती तो कम से कम बहनों का प्रमोशन ही करवा देती, उसमें ही जोर जबरदस्ती या यूं कहें कि उसमें थोड़ा जो है वो लाती, जागरूकता लाती या फिर उसमें थोड़ा जो है उन कामों को आगे बढ़ाती, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जो है यहाँ पर बस सरकारों की बढ़ाई और इसी में पूरा पूरा टाइम व्यतीत कर दिया। अभी फिलहाल के लिए अगर बहनों का प्रमोशन समय से हो गया होता तो आज लाखों दुआएं इनको भी मिलती आंगनबाड़ी बहनों के लिए। अब ऐसे ही जो है जो कोई भी आता है बाल विकास विभाग में उसका ध्यान आंगनबाड़ी बहनों के प्रमोशन पर नहीं पड़ता, भर्तियों के पहले, सीधी भर्तियों के पहले प्रमोशन हो जाए उस पर नहीं पड़ता। आंगनबाड़ी सेंटर जो है जहां कहीं भी आबादी बढ़ गई है वहां की मिनी कार्यकर्ता बहनों को मेन कार्यकर्ता बनाने पर किसी का ध्यान नहीं होता, और तो और अगर हो जाए तो मेन को जो है मुख्य में बनाओ, मिनी को मुख्य में बनाओ, उसमें भी ध्यान नहीं रहता। तो बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल रिचार्ज का पैसा समय से नहीं मिलता, गोद भराई अन्नप्राशन वाले पैसे वो सब नहीं आ पाते, यानी जो फंडेड कार्यक्रम होते हैं उनके पैसे, ऐसे बहुत सारी चीजें, साड़ी मिले तो उसमें भी बहनों के खातों में पैसे नहीं भेजे जा सकते, क्योंकि अगर भेजे जाए तो अच्छी क्वालिटी की बहनें साड़ी खरीद लें, वो भी नहीं होता। और तो और मोबाइल फोन, उसमें भी जो है यहां पर घटिया फोन वो खराब हो चुके हैं, आज की जनरेशन के हिसाब से ऐप उनमें नहीं संचालित हो रहे हैं, तो ऐसे में उसमें भी दिक्कतें, उन पर ध्यान नहीं होता। तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि जो बहनों की मुख्य समस्याएं हैं बाल विकास विभाग की, उन पर ध्यान नहीं होता, बस ध्यान होता है तो किधर होता है, सरकार के जो है जो भी उनके आगे के एजेंडे होते हैं उनको लेकर के गुणगान बखान करने पर ज्यादा होता है। इधर आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो कमेंट कर सकते हैं, और अगले वीडियो के लिए आप भाइयों बहनों इंतजार कर सकते हैं, जल्दी आप सबको हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आपने देखा कि केंद्र संचालन का समय 10 से कितना हो गया है, 2 हो गया है, और 10 से 2 ही आपको केंद्र अपना खोलना है, और उसके बाद 10 का मतलब 10 बजे पूरे 10 बजे ना जाएं, 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंच जाएं तो ज्यादा बेटर रहता है। अब बाकी आगे अपना जो है 2 बजे 5 मिनट 10 मिनट बाद में जो है यहां पर जो अपना बंद करो केंद्र, और बंद करने से पहले ये भी देख लो कोई बच्चा बच्चा तो अंदर नहीं है, काफी केसेस ऐसे आते हैं जहां पर बच्चे छूट जाते हैं। ये आंगनबाड़ी को लेकर के नई दिक्कतें हुई लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में जरूर हुई है कि कहीं बच्चा बंद हो गया और अगले दिन खुला तो पता चला उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे कारनामे ना हो तो आप उसका जो चेक कर लो, उसके बाद ही जो है ताला लगाना चाहिए। फिलहाल के लिए आज के वीडियो यहीं तक।